एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा और मैं हूँ डोंबिवली में। आई थिंक आफ्टर उल्लासनगर एंड कल्याण स्ट्रीट फूड वीडियो, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस। आज हम डोंबिवली का ढेर सारा स्ट्रीट फूड कवर करने वाले हैं। बहुत सारी जगहों पे सिर्फ पार्सल अवेलेबल है, सो वी विल ट्राई ईटिंग इन कार या ऐसे कार के बाहर रुक के। हम लोग आज वड़ा पाव खाने वाले हैं, साउथ इंडियन फूड खाएंगे, सोया चिली खाएंगे, और डोंबिवली में जो भी प्लेसेस ऐसे बहुत पॉपुलर हैं और जो आपने सजेस्ट की थी मुझे, वो सब हम ट्राई करेंगे। जब भी डोंबिवली स्ट्रीट फूड का नाम आता है, सबसे पहला दिमाग में आता है ठाकुर वड़ा पाव। गूगल पे सर्च करो या किसी भी डोंबिवली कर से पूछो, ठाकुर वड़ा पाव फर्स्ट कम्स इन टू द माइंड। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं बाय हैविंग अ वड़ा पाव। दैट्स ठाकुर वड़ा पाव राइट नेक्स्ट टू मी, और जैसे कि आप देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है ओनली पार्सल। सो लेट्स गो, बाहर से ही थोड़ा जूम करके हम शूट करेंगे मेकिंग एंड ऑल, एंड लेट्स ग्रैब अ पाइपिंग हॉट वड़ा पाव। लेट्स गो। ये हमने ले लिए हैं दो वड़ा पाव फ्रॉम ठाकुर वड़ा पाव। आइए मैं आपको दिखाती हूँ सामने से। ये ना मैं हाथ में नहीं पकड़ पाऊँगी क्योंकि दो ऐसे एकदम जंबो वड़ा पाव टाइप है। उन्होंने दिया है ये कुरमुरा। ये एक्चुअली एक क्रिस्पी मक्का पोहा है, इसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स जैसा भी होता है। और ये देखिए ग्रीन चिली सूखे गार्लिक की चटनी। दिस इज क्वाइट लोडेड। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं इतना एक लोडेड वड़ा पाव देख रही हूँ। पाव भी बड़ी है और वड़ा तो देखिए पाव से एकदम बाहर आ रहा है, अंदर ग्रीन चटनी भी डाली हुई है। ये खाना थोड़ा सा मेसी होगा, चलो खा के देखते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा कुरमुरा ट्राई करती हूँ। इसमें ना एक मेरी फेवरेट चीज़ डाली हुई है, अमड़ी। सो क्रिस्पी, और वो गार्लिक की चटनी थ्रू आउट डाल दी उन्होंने। अमड़ी इज बेसिकली रॉ मैंगो। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। क्या फ्लेवर्स आ रहे हैं भाई। ये वड़ा पाव की खास बात इसके फ्लेवर्स ही हैं। ग्रीन चटनी का फ्लेवर, अनियन, कोरिएंडर, गार्लिक चटनी, अमड़ी, इतनी सारी चीज़ें डाली हुई है। सो गुड। जो वड़ा है इतना भी गर्म नहीं है, बस एकदम ठंडा भी नहीं है, मॉडरेटली गर्म है। वड़ा एकदम सिंपल है, अंदर सिर्फ कोरिएंडर डाला हुआ है। इट्स फ्राइड सो नाइसली, इसकी लेयर काफ़ी थिक है, मस्टर्ड सीड्स डाले हुए हैं। इसका सही तरीका है खाने का, ये अम्बड़ी, अनियन, कुरमुरा सब एकदम क्रिस्पी डाल दो और जितना बड़ा बाइट ले सकते हो उतना बड़ा बाइट लो। सो गुड। मैंने सुना है लोग अम्बरनाथ, उल्लासनगर, कल्याण, थाने से ये वड़ा पाव खाने आते हैं। आई गेट ऑल द हाइप, इट्स अमेजिंग। हमारा स्टार्ट बहुत बढ़िया हुआ है, अब आगे देखते हैं। आज की जो सेकंड प्लेस हम आए हैं वो एक छोटा सा फास्ट फूड कॉर्नर है, इट्स कॉल्ड माई होम। ये भी गूगल पे दिखा रहा था कि बहुत पॉपुलर है। यहाँ पे आपको स्नैक्स मिल जाते हैं जैसे इडली, पाव भाजी, जूसेस एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने सोचा कि इडली खाते हैं। हमने ऑर्डर की है इडली, वी आर वेटिंग फॉर आवर फूड। वैसे बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, लास्ट ईयर जब सिर्फ टेक अवे और ऑनलाइन डिलीवरी अलाउड था तब मैंने ड्राइव थ्रू विद जीजी सीरीज शुरू किया था। ये भी मिक्स ऑफ ड्राइव थ्रू विद जीजी हो रहा है, बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है एक्चुअली। ऑल्सो मैं आपके सिर्फ 5 सेकंड देती हूँ ये बताने के लिए कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा बट इट विल हेल्प मी अ लॉट। लेट्स वेट फॉर द फूड नाउ। सो ये रही हमारी इडली, ये एकदम गर्म है, बहुत गर्म है ये। इनफैक्ट मैं पकड़ भी नहीं पा रही हूँ इसको। ये हमने टेक अवे लिया था तो हम लोग पहले से हमारे बोल, चम्मच और प्लेट्स ये सब लेके आ गए। यहाँ पर है चटनी एंड हियर वी हैव सांबार। ये बहुत गर्म है, मेरे को स्पून यूज करना ही पड़ेगा। वेरी सॉफ्ट एंड वेरी वॉर्म। इसको मैं डालती हूँ सांबार में एंड सम चटनी। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। कुछ भी ऐसे ज़्यादा फ्लेवर्स नहीं है,
कुछ भी ऐसे इतना स्पाइसी नहीं है। अभी मैं सिर्फ चटनी के साथ खा के देखती हूँ, बट इडली ऐसे काफी नरम और काफी ऐसे गरम है। ये मैंने बहुत सारा चटनी ले लिया है। मुझे ऑनेस्टली चटनी बहुत ओके लगी, कुछ इतना फ्लेवर नहीं है और बहुत ज्यादा वाटरी है। पर अभी सांबार खा के देखती हूँ मैं सिर्फ। सांबार इज गुड, स्वीट नहीं है, इतना स्पाइसी भी नहीं है। मुझे ऑनेस्टली इनकी इडली बहुत अच्छी लगी, बट मुझे सांबार और चटनी बहुत ओके लगा। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ओके था। बट यहाँ के एक्चुअली पाव भाजी भी बहुत फेमस है। आज हमें बहुत कुछ खाना है, इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही चीज चूज की, विच इज इडली। इट वॉज ओके, बट दिस वॉज अ सेकेंड प्लेस। अब मैं आपको नेक्स्ट प्लेस पे मिलती हूँ, तब तक हम ये खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट प्लेस हम आए हैं वो है अमूल फास्ट फूड सेंटर। दिस इज येट अनदर वेरी पॉपुलर जॉइंट इन डोंबिवली। और यहाँ पे भी आपको फास्ट फूड आइटम्स लाइक पाव भाजी, डोसा, फ्रैंकी, सैंडविच ये सब मिल जाता है, एंड दे आर वेरी पॉपुलर ओवर हियर। यहाँ पे भी सिर्फ टेक अवे अलाउड है। मैंने सोचा मैं डोसा खाती हूँ, बट डोसा इन टेक अवे कैन गेट वेरी मेसी, इसलिए मैंने यहाँ से एक फ्रैंकी ले ली है। काफी टाइम हो गया मैंने एक्चुअली फ्रैंकी नहीं खाई है, और जब भी हम ड्राइव थ्रू विद जीजी करते थे हम फ्रैंकी, शॉर्मा ये सब पक्का खाते ही थे। सो दिस इज अमूल पनीर शेजवान फ्रैंकी। अमूल बिकॉज दे यूज लॉट्स ऑफ बटर एंड दे यूज अमूल बटर। इनकी फ्रैंकी बहुत सिंपल है, अंदर सिर्फ पनीर की पूरी स्टफिंग है। अनियन मैंने मना किया, नहीं तो अनियन भी आपको मिल जाता है। इट लुक्स वेरी क्रिस्पी, वेरी फ्लेकी। एंड लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। ओह वाओ, तो वो आलू का जो मिक्सचर था उसमें उन्होंने पनीर ऐड किया, तो आलू का भी टेस्ट आ रहा है। चाट मसाला ढेर सारा डाला हुआ है। ये जो रोटी है जो मैदे की है बहुत क्रिस्पी है। ओवरऑल फ्रैंकी बहुत सिंपल है, बट टेस्ट यम्मी, एकदम स्ट्रीट स्टाइल फ्रैंकी जैसे। स्टफिंग अगर आप देखेंगे बहुत सिंपल है, एंड इट्स स्पाइसी, लिटिल स्पाइसी। शेजवान का भी टेस्ट आ रहा है, इतना ज़्यादा शेजवान का टेस्ट नहीं आ रहा है, बट आ रहा है। इसके फ्लेवर्स ऐसे स्पाइसी, टैंगी, सब बैलेंस्ड है, और बटर बहुत डाला हुआ है। दिस इज़ वेरी बटरी। लव दिस। अभी हम यहाँ पे सैंडविच भी खाने वाले हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ, पहले ये ख़त्म करती हूँ मैं। फास्ट फूड सेंटर से जो हमने दूसरी चीज ले ली है वो है ये चीज मसाला टोस्ट। हाँ, यहाँ पे इन्होंने दी है दो चटनी। जो भी प्लेसेस में जा रही हूँ उनकी लोकेशन डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। फिलहाल ये खाते हैं, चलिए लेते हैं एक पीस ऊपर से। ओहो, ये देखिए कितना गर्म है ये। अंदर मुझे दिख रहा है काकड़ी, आलू, आलू का एक पूरा मसाला, बीटरूट, ये डाल दिया चटनी में। एंड लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। एक बाइट विदाउट चटनी खा के देखती हूँ। यहाँ पे हमने दो चीजें ट्राई की, दोनों में बटर का स्वाद इतना अच्छा आता है। बेस्ट थिंग इज कि बटर का स्वाद ऐसा ओवरपावरिंग नहीं है, एकदम ऐसे अच्छा वाला जैसा लगे बटर का स्वाद वैसा है। चटनी में नमक हल्का सा ज्यादा है, वैसा टेस्ट खराब नहीं हो रहा है, एकदम ऐसा अच्छा क्रिस्पी सा सैंडविच है। ग्रिल बहुत अच्छे से किया है, अंदर आलू का जो बैटर डाला हुआ है आई थिंक ये सेम बैटर ये लोग डोसे में भी यूज करते हैं। अंदर भी इन्होंने चटनी डाली है, कुछ इतना ओवरपावरिंग नहीं है, जैसे इन लोगों ने ज्यादा चीज, ज्यादा मेयोनीज ऐसा भर नहीं दिया है, एकदम सिंपल स्टाइल रखा है, विच आई एब्सोल्युटली लव। चटनीज आर नॉट द बेस्ट आइड से, चटनीज आर गुड, एंड ओवरऑल मुझे सैंडविच बहुत अच्छा लगा। Hmm.
की जो नेक्स्ट जगह हम आए हैं वो है मॉडर्न चाइना किचन। यहाँ का जो चाइनीज फूड है वो होम डिलीवरी ऑनलाइन डिलीवरी में ऐसे काफी पॉपुलर है, तो सोचा हमने वो ट्राई कर लेते हैं। सो दैट इफ यू गाइस वांट टू सिट एट होम एंड ऑर्डर समथिंग दिस कैन बी द प्लेस। बट वहाँ पे अंकल ने मुझे ये मोइटो दे दिया है। इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग अ मोइटो इन अ बॉटल, लाइक अ पैक्ड बॉटल। टेस्ट करते हैं। वैसा मोइटो नहीं है जो हम लोग ऐसा फ्रेश पीते हैं, ऑब्वियसली दिस वॉज पैक्ड, पर इसमें मिंट का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, लेमन का आ रहा है। इट्स नाइस, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग एक्चुअली। वो जो मॉडर्न चाइना किचन था वो एक्चुअली स्टेशन के बाजू में था, इसीलिए हम थोड़ा दूर आके खा रहे हैं। हम लोग कार में इसीलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि कार में लाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वी हैव ऑर्डर्ड सम चिकन क्रिस्पी। ओ माई गॉड, लुक एट द कलर। ऊपर से ढेर सारा स्प्रिंग अनियन, गार्लिक डाला हुआ है और यहाँ पे है बर्न्ट गार्लिक फ्राइड राइस। ये एक्चुअली ऐसे थोड़ा सेमी ड्राई है, कम्प्लीटली ड्राई नहीं है, थोड़ी ग्रेवी भी है। इसमें देखिए गार्लिक के ऐसे चंक्स डाले हुए हैं, लॉट्स ऑफ स्प्रिंग अनियन और चिकन के पीसेस। इट्स नॉट लाइक देसी चाइनीज। फर्स्ट इम्प्रेशन देखने में बहुत देसी चाइनीज टाइप लग रहा था। इट इज़ क्रिस्पी दो, चिकन बाहर से बहुत क्रिस्पी अंदर से टेंडर है। बहुत सारा गार्लिक, शेजवान सॉस, सोया सॉस, विनेगर भी बहुत सारा डाला हुआ है इसमें। हाउएवर मुझे चिकन क्रिस्पी ऐसे थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी हो तो ही पसंद आता है। दिस इज़ लाइक वेरी गार्लिकी, बहुत ज़्यादा शेजवान सॉस। इट्स नॉट बैड एज अ चिकन एपेटाइजर, इट्स वेरी गुड, बट एज चिकन क्रिस्पी ये मुझे थोड़ा सा ओके लगा, बट इट्स नॉट बैड। ओके, अभी ट्राई करते हैं सम बर्न गार्लिक राइस। दीज आर सम बर्न गार्लिक राइस, इसमें वेजिटेबल्स भी डाले हुए हैं। यू सी सम कैरेट, कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियन। आजकल ना मुझे ऐसा बर्न गार्लिक, चिली गार्लिक राइस ये सब खाना बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी सिंपल। बेस्ट थिंग इसके ज़्यादा तेल नहीं यूज़ किया इसमें, चिकन क्रिस्पी में बहुत सारा तेल था। वेजिटेबल्स और राइस की क्वांटिटी एकदम बैलेंस्ड है, लव्ड इट। ये मुझे लग रहा है मैं दोनों साथ में खाऊंगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एड सम चिकन। ईट डिश टुगेदर, कुछ भी इतना स्पाइसी नहीं है। आज की जो नेक्स्ट प्लेस हम आए हैं वो है मैजिक बाइट, यहीं पर है। उस प्लेस का नाम है मैजिक बाइट सोया चाप प्योर वेज बारबेक्यू। यहाँ पे डिफरेंट तरीके के सोया चाप और टिक्का आइटम्स मिल जाते हैं और मैंने अपने लिए ले ली है तंदूरी सोया चाप। वैसे ना मुझे सोया चिली खाना था। यहाँ पे मॉडल कॉलेज के बाजू में एक गणेश कृपा, साईं कृपा समथिंग करके एक सोया चिली वाला है, वो अपेरेंटली बहुत पॉपुलर है, बट वो आज शट था। हमने लिया है हाफ प्लेट ऑफ तंदूरी सोया चाप विच इज़ फॉर 100 रुपीज। ये मैं डालती हूँ चटनी में, ये पुदीने की चटनी लग रही है। एंड लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। क्या बराबर ग्रिल किया हुआ है। बहुत चटपटा है ये। इसमें तंदूरी मसाला तो डाला ही हुआ है, चाट मसाला भी डाला हुआ है, रेड चिली पाउडर। मुझे लग रहा है कि इसमें लेमन भी यूज किया हुआ है, मे बी इन द मैरिनेशन और समथिंग, क्योंकि उसका भी स्वाद आ रहा है। इसका टेस्ट ओवरऑल पूरा चटपटा है और तंदूर का स्वाद आ रहा है। ये जो चटनी है, एक बार मैं चटनी प्रॉपरली खा के देखती हूँ। चटनी मुझे ओके लगी। आई लाइक दिट। ग्रिल भी एकदम बराबर है और हाफ प्लेट के हिसाब से क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। इट्स नाइस। आज की जो लास्ट प्लेस हम आए हैं वो है गुलशन जूस सेंटर। इसका एक्चुअल नाम है मामाज गुलशन जूस सेंटर। इसके दो ब्रांचेस हैं। हम जो ठाकुर वड़ा पाव के बाजू वाला ब्रांच है वहाँ पर आए हैं और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं मिल्क शेक्स, जूसेस, ब्लॉसम क्रीम्स एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ। हम तीनों ने यहाँ से एक एक ग्लास ले लिया है। चलो मैं बताती हूँ, मैंने लिया है चॉकलेट मिल्क शेक, मुझे बहुत मन हो रहा था चॉकलेट मिल्क शेक पीने का। नवीन ने लिया है मौसमी जूस एंड मैंने लिया अपने लिए कोल्ड कॉफी। प्रमोद ने लिया है कोल्ड कॉफी। चीयर्स गाइस।
Cheers, cheers, cheers. Let's take the first sip, everybody. Wow, chocolate shake is amazing. कैसा है? अच्छा कोल्ड कॉफी मैंने इससे बेटर रीसेंट टाइम्स में नहीं पिया. हाँ इतनी अच्छी है. ठीक है तो अभी मैं चॉकलेट मिल्क शेक के बारे में बताती हूँ. चॉकलेट मिल्क शेक एक्चुअली बहुत स्वीट है बट इट्स वेरी डिलिशियस, वेरी थिक. नॉट लाइक थिक शेक बट इट्स थिक. और इसमें चॉकलेट कैसे हल्के हल्के पीसेस भी आ रहे हैं, एकदम हल्के हल्के. और कोल्ड कॉफी भी बहुत अच्छी है. आई थिंक कोल्ड कॉफी और चॉकलेट मिल्क शेक मुझे इक्वली अच्छा लगा. मौसमी जूस भी बहुत अच्छा था, रिफ्रेशिंग था. ओके गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. इफ यू डिड, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लीव अ कॉमेंट बिलो टेलिंग मी के सबसे बेस्ट डिश आपको आज के वीडियो में से कौन सी लगी एंड व्हाट अदर प्लेसेस यू वांट मी टू कवर इन मुंबई. टुडेज कमेंट शाउट आउट गोज टू ऑल ऑफ दीस पीपल. थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस. मेक श्योर यू लीव अ कमेंट बिलो अगर आपको भी कमेंट शाउट आउट में अपना कमेंट चाहिए तो. आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन खाओ पियो, खुश रहो, खुश रहो, बाय.